जनता पार्टी के गोला से विधायक और वर्तमान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी श्री अरविंद गिरी जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रोमी सानी जी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में श्री अशोक चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, वीरेंद्र भूषण जी, सरदार प्रीतम सिंह जी, प्रवीण माली जी, रमेश उकानी जी और भारी संख्या में गोला और पलिया विधानसभा सीट से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित मतदाता भाइयों बहनों, देवाधिदेव महादेव बाबा गोला गोकर्णनाथ के से चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था इतने शानदार स्टेडियम में से राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में आकर के मैं देख रहा था कि गोला में इतना शानदार स्टेडियम आप सबके लिए अपने खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए अरविंद गिरी जी को और जिनके नाम पर यह स्मारक बना है, मैं सबसे पहले अरविंद गिरी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने पूज्य पिता के नाम पर इतना भव्य कुंभ यहाँ भव्य स्टेडियम यहाँ के नौजवानों को प्रदान किया और ये दोनों विधायक चाहे वहां गोला से अरविंद गिरी जी हो या पलिया से श्री रोमी सहानी जी, दोनों ने मिलकर के अपने अपने विधानसभा सीटों पर और लखीमपुर खीरी जनपद के विकास के लिए जो योगदान दिया है, भाइयों बहनों, वह अत्यंत ही सराहनीय है, अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि उन्हें विधायक के रूप में आपने चुना था। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर मतदान चल रहा, मतदान हो रहा है। दो चरणों का मतदान पहले संपन्न हो चुका है, आज तीसरे चरण का मतदान 16 जनपदों की 59 सीटों पर हो रहा है। भाइयों बहनों, जिन 59 सीटों पर वर्तमान में मतदान चल रहा है, लोगों में अपार उत्साह है और मैं आज बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से उन सभी 59 विधानसभा सीटों के मतदाताओं का आह्वान करूंगा कि वे मतदान को अपना अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी माने, मतदान अवश्य करें क्योंकि ये मतदान उन्हें सुरक्षा की गारंटी भी देगा, ये मतदान उनके जीवन में समृद्धि लाने और उन्हें खुशहाल के पथ पर आगे बढ़ाने और उनकी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्माण करने में इस मतदान की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए वे मतदान अवश्य करें और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम आपके बीच यहां पर आए हैं, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कर्फ्यू लगता
बाजारों में बमबाजी होती थी, व्यापारी प्लान करता था। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आया हूं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब बाबा का कांवड़ यात्रा निकलती है। हर हर बम बम के नारे के साथ, हर हर बम बम के नारे के साथ अब कांवड़ यात्री निकलता है। तो भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में रम जाता है और यही बड़ा उत्तर प्रदेश है जिसमें दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागर्दी के लिए नहीं, अव्यवस्था के लिए नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले अपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के गवर्निंग दल की सरकार ने से हो जाता है। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके लखीमपुर जनपद के, खीरी जनपद के 1,45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1,45,000 किसानों का। और आज लखीमपुर खीरी के 5 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां पर हर किसान का सम्मान होता है, किसान को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है। और यही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का लाखों करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली सरकार किस हद तक जनता का शोषण करती थी? भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपके लखीमपुर खीरी में बिजली मिलती थी क्या? लोगों को बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना? आ रही है बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। पहले बिजली की भी जाति हुआ करती थी, मत और मजहब हुआ करता था। आज तो भाइयों बहनों, हमने कहा सबका साथ और सबके विकास का, तो सबका साथ और सबका विकास बिजली में भी दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल खंड में
अरविंद गिरी जी भी और रोमी सानी जी भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगे थे। डबल इंजन की सरकार भी आपकी सेवा में लगी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता भी कहीं थे क्या? इनका कहीं अता पता था? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? आपका मैं अभिनंदन करूंगा। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन के कारण तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगा। लेकिन जो लोग वैक्सीन के बारे में गुमराह करते थे कि बीजेपी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब उनको जवाब देने की आवश्यकता है। वोट की चोट से उनको करारा जवाब दीजिए कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो वोट भी वही जाएगा, ये बताएंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में दो बार राशन भी मिलना होगा ना, मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये राशन, ये दवा का पैसा, अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है ना। आज हम लोग लखीमपुर खीरी में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। हमारे सभी विधायकों ने जब प्रयास किया तब मेडिकल कॉलेज आगे आया। हम यहाँ डबल इंजन की सरकार का यही लाभ होता है। मेडिकल कॉलेज का मतलब उपचार के लिए जब मेडिकल कॉलेज काम करेगा तो लखीमपुर खीरी वासियों को, भाइयों बहनों, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में उपचार की सुविधा होगी और 2023 से लखीमपुर के नौजवानों को लखीमपुर में ही एडमिशन की सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हो जाएगी। बहुत गड़बड़ हो रहा है। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज का पैसा, गरीबों के लिए राशन का पैसा या फिर दवा का पैसा या फिर आज जो धामों का निर्माण हो रहा है, ये जो पैसा है, ये पैसा 2017 के पहले भी था। लेकिन 2017 के पहले, भाइयों बहनों, यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था और इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए हाथ, जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। हमने तो कोई नान को नहीं किया। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहाँ देंगे, मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। हमने तो कहा सबका साथ, विकास। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना। हमारे लिए तो हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 5 तीर्थ बनाए हैं, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा दी, जहाँ बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम समय व्यतीत किया,
और जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, एक पंच तीर्थ अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाया है। और लखनऊ में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, योजनाओं का नाम सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी दिया और सुरक्षा भी दी है। और आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के नाम पर वीर पाल दिवस की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के आवास में यह आयोजन संपन्न भी हुआ। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धर्म रक्षक है। आज जो भारत की तस्वीर है, इन गुरुओं की ही परंपरा और उनकी महानता और उनके बलिदान का परिणाम है। आज जो भारत की व्यवस्था संचालित हो रही है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के कारण भारत की व्यवस्था संचालित हो पा रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना, विकास में भेदभाव न होना, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देना, और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहाँ के भाइयों बहनों, जो भी समस्या लखीमपुर खीरी की होगी, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या फिर इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि से संबंधित मामला हो, या फिर भाइयों बहनों यहाँ की सुहेली नदी या फिर अन्य नदियों के डिसिल्टिंग का कार्य, हमने तो लगभग 2 दर्जन नदियों को पुनर्जीवित किया है प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर ही सूख गई थी, आज वहां पर पानी निकल आया है। गोमती नदी एक बार फिर से विरल हो चुकी है और सुहेली नदी समेत हर नदी को फिर से हम लोग उसको उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य भी करेंगे, बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी निकालेंगे। और भाइयों बहनों, हमारे दोनों विधायकों को चुनाव जिता करके भेजे राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम को भी भव्य स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार इसमें भी मदद करेगी, जिससे यहाँ के नौजवानों के लिए खेल कूद की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग धामों के पुनरुद्धार का भी कार्य करेंगे। और मैं तो कहूंगा अरविंद गिरी जी से, गोला गोकर्णनाथ जी का भी एक भव्य प्रस्ताव तैयार करिए, जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ ऐसे बाबा गोला गोकर्णनाथ के भी भव्य यहाँ पर धाम का निर्माण होना चाहिए। सहयोग करेगी यह वाद करते हुए मैं एक बार फिर से गोला और बलिया के आप सभी मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देने की अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे सभी लोग। भाइयों बहनों, वोट तब जब चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जनपान, पहले मतदान, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग देंगे, दोनों लोग विधायक बन करके यहाँ से जाएंगे, मैं निश्चित होकर के जाऊं सभी लोगों से, दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे